शेर बद्र का एक शेर है, कोई हाथ भी ना मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। लगता है राहुल गांधी ने पीएम मोदी के मिजाज को समझा नहीं। उन्होंने जबरदस्ती मोदी को गले तो लगा लिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल के दाव को पलट दिया। संसद का विश्वास जीतने के बाद पीएम मोदी आज यूपी के शाहजहांपुर में किसान रैली में पहुंचे। वहां पर उन्होंने राहुल गांधी के गले लगाने वाले सीन पर फिर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि जब कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव की वजह नहीं बता पाई तो वो गले पड़ गए। मोदी ने कहा कि राहुल गांधी उन्हें हटाने के लिए छटपटा रहे हैं, लेकिन जब तक 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत उनके साथ है, कोई उन्हें हिला भी नहीं सकता। बॉलीवुड की फिल्म आई थी, आपको याद होगा, हम दिल दे चुके सनम। उसमें एक गीत था, आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। लेकिन राहुल गांधी ने कल जो गुस्ताखी की थी उस पर उन्हें माफी नहीं मिल रही है। राहुल गांधी ने कल संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गले मिलकर जो कमाया था उसे आंख मार दिया, उसे आंख मारकर सब गवा दिया। बीजेपी राहुल गांधी की इस हरकत पर माफी देने को तैयार नहीं है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखा। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि वो संसद थी, सर्कस नहीं। स्मृति ईरानी ने कहा कि जिसके पास तथ्य नहीं होते वो ड्रामे का सहारा लेता है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी गले लगकर कह रहे हो मोदी शरणम गच्छामी। कांग्रेस भले ही संसद में अविश्वास प्रस्ताव पास करने में नाकाम रही, लेकिन ममता बनर्जी के हौसले बुलंद दिख रहे हैं। ममता ने 2019 के लिए अभी से मोदी सरकार के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। कोलकाता में शहीद दिवस के मौके पर ममता बनर्जी ने 8 अगस्त से बीजेपी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी। अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन का ऐलान 8 अगस्त को ही हुआ था। ममता ने इसी दिन को चुना है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस के महागठबंधन के सपने को करारा झटका भी दिया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को भाई भाई बताया। ममता ने कहा कि बंगाल में कांग्रेस बीजेपी के साथ मिली हुई है। ममता ने यह भी दावा किया कि 2019 में टीएमसी बंगाल की सभी 42 सीटें जीतेगी। यानी संदेश साफ है, टीएमसी बंगाल में किसी से गठबंधन को तैयार नहीं। कल संसद में जब सरकार विश्वास मत जीत रही थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में सरकार की कामयाबियां गिना रहे थे, उसी वक्त कुछ लोग राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग की तैयारी कर रहे थे। 2017 में अलवर में पहलू खान की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। एक साल बाद एक बार फिर अलवर में गो तस्करी के शक में अकबर नाम के व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। पहलू खान की तरह अकबर भी हरियाणा का ही रहने वाला था। अकबर अपने एक साथी के साथ अलवर से 2 गाय लेकर जा रहा था। बीती रात 1 बजे 5 लोगों ने उसे घेर लिया। अकबर का साथी तो भाग निकला, लेकिन उसकी पूरी तरह से पिटाई की गई, जिससे अकबर की मौत हो गई है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मॉब लिंचिंग का मुद्दा पहले से ही गर्म है, जाहिर है। इस घटना पर भी सियासत शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मयम के प्रमुख असद ओवैसी ने कहा है कि देश में गाय सुरक्षित है लेकिन मुसलमान नहीं। कांग्रेस के सचिन पायलट ने कहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में सरकार के संरक्षण में मॉब लिंचिंग हो रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी देश को तालिबान बनाना चाहती है। जयंत सिन्हा के बाद मोदी सरकार के एक और मंत्री ने मॉब लिंचिंग पर अजीबोगरीब बयान देकर विवाद पैदा कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मोदी जितना ज्यादा लोकप्रिय होंगे, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं उतनी ही बढ़ेंगी। मेघवाल ने कहा कि पीएम मोदी ने जो योजनाएं दी हैं और इनका असर दिख रहा है, ये उसी का ही एक रिएक्शन है। लगता है अर्जुन मेघवाल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के उस बयान को भूल गए जिसमें दोनों ने संसद में भीड़ की हिंसा की निंदा की थी। अब मेघवाल के बयान से क्या मकसद पूरा होता है ये तो वही जाने, लेकिन मॉब लिंचिंग और ऐसे बयानों से देश की छवि जरूर खराब होती है। आज देश शर्मसार हो गया। कूड़े से कड़े कानून भी रेप जैसी भयानक और घिनौनी वारदात को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। हरियाणा के पंचकुला में 22 साल की लड़की से 40 लोगों ने 4 दिन तक गैंगरेप किया। लड़की का आरोप है कि गेस्ट हाउस में नौकरी दिलाने के नाम पर एक शख्स उसे अपने साथ गेस्ट हाउस में ले गया, लेकिन वहां पर गेस्ट हाउस के मालिक ने अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। उसे बेहोशी की दवा खिलाई गई। 4th दिन यानी कि 18 जुलाई को वो जैसे तैसे गेस्ट हाउस से भाग निकली। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि भारत की बेटियों की रक्षा नहीं कर पाने के लिए
हमारा सिर शर्म से झुक गया है। धर्म की आड़ में अधर्मी पनप जाते हैं, बाबा के कपड़े पहन ढोंगी छिप जाते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में एक और अय्याश और ढोंगी तांत्रिक का पर्दाफाश हुआ है। आरोप है कि बिल्लू बाबा नाम के तांत्रिक ने तंत्र मंत्र के जाल में फंसाकर 90 महिलाओं के साथ रेप किया, उनका वीडियो बनाता और फिर महिलाओं को ब्लैकमेल करता था। पुलिस के मुताबिक तांत्रिक पहले जलेबी की दुकान चलाता था, कारोबार बढ़ने पर तंत्र मंत्र का झांसा देना शुरू किया। आरोपी ने मंदिर बनवाया और खुद का नाम रखा अमरपुरी नागा साधु बाबा। छापेमारी में बाबा के बेडरूम से 90 से ज्यादा अश्लील वीडियो बरामद हुए। हम तो यही कहेंगे कि बाबाओं की भीड़ में छिपे ऐसे ढोंगियों को पहचानिए, आंख पर अंध भक्ति की पट्टी खोलिए, धर्म के सौदागरों को पहचानिए, जागिए और बचिए। बारिश ना हो तो मुश्किल और जमकर हो जाए तो समझ लीजिए कि मुसीबतों की बाढ़ आ गई है। ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड जैसे कई राज्यों में इन दिनों बारिश ऐसी मुसीबत बनकर आई है। ओडिशा के रायगढ़ की ये तस्वीर है। लगातार बारिश की वजह से रेल की पटरियां जलमग्न हो चुकी है। भुवनेश्वर जगदलपुर हीराखंड एक्सप्रेस को बीच रास्ते में रोकना पड़ा। उत्तराखंड के हरिद्वार में तो एक कार ही पानी में बह गई। बड़ी मुश्किल के बाद लोगों ने कार को तेज धार से किसी तरह से बाहर निकाला। गुजरात के नवसारी में सैलाब में फंसी एक कार को रेस्क्यू किया गया, लेकिन कार में मौजूद एक शख्स की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के दमोह में भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे, 50 साल पहले एक प्लेन क्रैश हुआ। आधी सदी बाद प्लेन क्रैश में मारे गए एक यात्री का शव मिला। 1968 में हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति के पहाड़ों में एयरफोर्स का AN-12 एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। विमान चंडीगढ़ से लेह जा रहा था। विमान में 102 सैनिक बैठे थे। 50 साल बाद 1 जुलाई को कुछ पर्वतारोहियों ने पहाड़ की सफाई का काम शुरू किया था और इसी दौरान उन्हें विमान का मलबा और एक सैनिक के शव का अवशेष मिला। मलबा और शव ढाका ग्लेशियर बेस कैंप के पास मिला। गाय के नाम पर हिंसा नहीं रुक रही है। राजस्थान में भीड़ ने एक व्यक्ति की जान ले ली। पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, तीसरे की तलाश बाकी है। गो तस्करी के आरोप में राजस्थान में एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। अलवर जिले में अकरम नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई। कल रात की वारदात, पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। अकरम हरियाणा का रहने वाला था। घटना पर राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि दोषियों पर सख्त एक्शन होगा। गाय लेकर जा रहे अकरम को भीड़ ने गो तस्कर समझकर पीटा, अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अकरम और असलम 2 गाय लेकर पैदल जा रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। असलम मौके से फरार हो गया। पुलिस को कल रात फोन पर सूचना मिली कि कुछ लोग एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल अकरम को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस को अकरम के पास से 2 गाय मिली हैं, जिन्हें गौशाला भेज दिया गया है। ये जी बकरान के लिए गया था ये छोरा, और ये गैल में घेर के इन्हें मार दिया। ऐसा कोई गारंटी तो नहीं कह सकता है कि कल के बाद जो हमने कानून मृत्यु दंड का आजीवन कारावास है, लेकिन कल से कोई मृत्यु दंड के भागी नहीं बनेगा या कोई मर्डर होगा नहीं, ऐसा तो कोई आदमी नहीं कह सकता है। लेकिन कानून को जितना सख्त कर सकते हैं उतना सख्त करने का प्रयास। मोदी सरकार के मंत्री ने मॉब लिंचिंग पर अलग ही थ्योरी पेश की है। कह रहे हैं सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है। अर्जुन राम मेघवाल ने इशारों में मॉब लिंचिंग को राजनीतिक साजिश बताया। जयपुर में मेघवाल ने कहा कि पहले अवार्ड वापसी और असहिष्णुता के मुद्दे आए, अब मॉब लिंचिंग है। 2019 से पहले कुछ और मामले आएंगे। मेघवाल ने कहा ऐसी घटनाएं गलत हैं, लेकिन ये क्यों हो रही हैं ये समझना जरूरी है। मोदी सरकार में राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से बीजेपी सांसद हैं। मेघवाल से अलवर में हुई मॉब लिंचिंग के मामले पर सवाल पूछे गए थे। मेघवाल ने साफ कहा जैसे जैसे मोदी पॉपुलर होते जाएंगे ऐसी कुछ घटनाएं भी होंगी। बीजेपी के राज में नहीं, जैसे जैसे मोदी जी पॉपुलर होते जाएंगे ऐसे ऐसे कुछ घटनाएं इस देश में आती रहेगी। जैसे बिहार का चुनाव हुआ, अवार्ड वापसी,
यूपी का चुनाव आएगा मॉब लिंचिंग आएगा, 19 का चुनाव आ रहा फिर कुछ आएगा, कभी इंटॉलरेंस आएगा। नंदनीय ये अपराध है और मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार अब लगभग हाथ खड़े कर चुकी है और वो जानबूझ के असामाजिक तत्वों को कहीं ना कहीं पनपने का मौका दे रहे हैं। मॉब लिंचिंग पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, भारत में आर्टिकल 21 के तहत गाय को जीने का मौलिक अधिकार है और मुस्लिम को मारा जा सकता है। 4 साल मोदी राज, लिंचिंग राज। पीएम मोदी ने आज फिर अविश्वास प्रस्ताव और महागठबंधन पर निशाना साधा, कहा 2019 में कमल जरूर खिलेगा। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने फिर निशाना साधा, कहा प्रस्ताव की वजह पूछी तो वो गले पड़ गए। यूपी के शाहजहांपुर में पीएम मोदी ने किसान कल्याण रैली के दौरान विपक्ष पर हमला किया। विपक्ष की महागठबंधन बनाने की कोशिश पर आज पीएम ने कहा कि दल के साथ दल मिलने से दलदल हो जाता है और जितनी ज्यादा दलदल होगी उतना ही कमल खिलने का मौका मिलेगा। किसान रैली में पीएम मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव और महागठबंधन के दावों पर विपक्ष को घेरा है। पीएम मोदी ने कहा, साइकिल हो या हाथी, किसी को भी साथी बना लो, लेकिन अब स्वांग नहीं चलेगा। और अब तो एक दल नहीं, दल के साथ दल, दल के साथ दल, जब दल के साथ दल हो तो दलदल हो जाता है, दलदल हो जाता है। और जितना ज्यादा दलदल होता है उतना ज्यादा कमल खिलता है। अरे चाहे साइकिल हो या हाथी, अरे किसी को भी बना लो साथी, स्वार्थ के इस पूरे स्वांग को देश भली भांति समझ चुका है। लोकतंत्र के हर तंत्र को धमकाने की उनकी आदतें, उनका ये फॉर्मूला अब आगे कभी काम नहीं आने वाला कि भाई बताओ तो सही, ये अविश्वास का कारण क्या है जरा बताओ तो। अब जब कारण नहीं बता पाए तो गले पड़ गए। बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह से जिन बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। बालिका गृह में बच्चियों के साथ यौन शोषण हो रहा था। मुजफ्फरपुर की बच्चियों की मेडिकल रिपोर्ट में 16 बच्चियों के साथ यौन शोषण की पुष्टि हुई है। बच्चियां अभी पटना में हैं। पुलिस से बातचीत में एक बच्ची ने बालिक गृह में रहने वाली एक बच्ची की हत्या का भी खुलासा किया है। इस मामले का खुलासा पिछले महीने हुआ। हत्या के मामले में भी पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस ने रसूखदार ब्रिदेश ठाकुर समेत 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें कई महिलाएं भी हैं। मुंबई की एक संस्था ने इस मामले का खुलासा किया था, जिसके बाद से जांच में सच सामने आ रहा है। जिस बच्ची की हत्या का खुलासा हुआ है, शक है कि उसका शव बालिका गृह के परिसर में ही दबा दिया गया है। अभी 20 और बच्चियों की मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी है। मुजफ्फरपुर में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आरजेडी ने आज बंद बुलाया। एनजीओ की फंडिंग बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग से होती थी। जितने लोग इसमें संलिप्त रहे हैं या जिनका भी थोड़ा बहुत भी आभास मिलता है कि इनकी उसमें कुछ मिलीभगत थी, उस सब पर कार्रवाई हो रही है। इस मानसिकता के लोग हैं, कृत्य करने वाले मानसिकता के लोग हैं, इन पर नियंत्रण करना कोई नई योजना के तहत करना पड़ेगा। और किसी भी तरह से आगे इस तरह की घटनाएं न हो उसको रोकने का इंतजाम तो किया ही जाना चाहिए। ना इस तरह की आज भी हो रही है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बारिश कम हो तो मुसीबत, ज्यादा हो जाए तो भी मुसीबत, दोनों ही सूरत में जिंदगी मुश्किल हो जाती है। जहां बारिश ज्यादा हो रही है वहां सड़क से लेकर पटरी तक जिंदगी रुक गई। देश के कई राज्यों में बारिश हो रही है। ओडिशा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में सबसे ज्यादा असर पड़ा है। ओडिशा के 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि उत्तराखंड में आज मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में 27 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका है। ओडिशा में भी 22 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट है। मॉनसून में देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है। ड्रेनेज की सही व्यवस्था न होने से हालात बिगड़ रहे हैं।
गुजरात के नवसारी में भारी बारिश की वजह से एक कार बह गई। हादसे में कार में मौजूद बिजली विभाग के कर्मचारी हरीश रजवी की मौत हो गई। हरिद्वार में भी बारिश के तेज बहाव में एक कार बह गई। राहत यह है कि हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश के दमोह में भी बारिश के पानी में गाड़ियां और जानवर दोनों फंस गए।